केंद्र सरकार के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही। अगली मीटिंग फिक्स हुई है, क्या 3 दिसंबर को सुलझेगा यह विवाद? और किसने कहा कृषि कानून पर सरकार हल नहीं सिर्फ चर्चा चाहती है? अन्नदाता से जुड़ी हुई हर बड़ी छोटी खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 किसान क्रांति में। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ 35 किसान प्रतिनिधियों की बैठक बेनतीजा रही। अब 3 दिसंबर को अगले दौर की बैठक होगी। बैठक के बाद किसान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ चर्चा चाहती है। किसानों ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही, कई मुद्दों पर सहमति बनी। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है। सरकार से बैठक के बाद किसान नेता चांद सिंह ने कहा कि बातचीत के साथ साथ आंदोलन भी जारी रहेगा। चांद सिंह ने कहा कि सरकार से कुछ न कुछ लेकर रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, सरकार तो कुछ लेकर जाएंगे। दिल्ली के कृषि भवन में किसान प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में सरकार की ओर से एक्सपर्ट समिति के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों ने नए कृषि कानून को डेथ वारंट करार देते हुए इसे वापस लेने को कहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ 35 किसान प्रतिनिधियों की पहले दौर की बैठक हुई। मीटिंग में एमएसपी और एपीएमसी पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश हुई। किसान नेताओं के सवालों के जवाब में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के पीछे चीन पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतों को पीएम मोदी पसंद नहीं है और दुश्मन भारत में अस्थिरता चाहते हैं। विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन थोड़ा उग्र भी हुआ। दोपहर के वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की गई। किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए जबरन बैरिकेटिंग हटाने की कोशिश की। इस बीच पुलिस कर्मियों को पीछे भी धकेला गया। पंजाब किसानों के आंदोलन के समर्थन में यूपी के किसानों ने भी नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर जमकर प्रदर्शन किया। भारी तादाद में किसान नोएडा दिल्ली बॉर्डर की सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एक तरफ की सड़क पर लंबा जाम लग गया। किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर हरियाणा के जींद में हुए खाप पंचायत ने पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा से बैकअप देने का फैसला किया है। साथ ही बीजेपी को समर्थन देने वाले जेजेपी और निर्दलीय विधायकों को समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी है।